एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने दो इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले, और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग। रूस यूक्रेन में जारी जंग के बीच भारत सरकार लगातार मिशन गंगा के तहत यूक्रेन के शहरों में फंसे भारतीय छात्रों को देश वापस लाने का काम कर रही है। इसी के चलते भारत सरकार के चार मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में विशेष राजदूत बनकर भेजे गए हैं, जिनको भारतीय छात्रों को वापस लाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने हंगरी, रोमानिया और पोलैंड जाकर भारतीय छात्रों से मुलाकात की, उनकी वापसी के इंतजामों को देखा और उनका हाल चाल जाना। वहीं ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन में फंसे 218 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष उड़ान दिल्ली पहुंची, जहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने छात्रों से मुलाकात कर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय छात्र धैर्य रखें, सबको सुरक्षित भारत लाया जाएगा। यूक्रेन के वॉर जोन से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और जितने हमारे नागरिक हैं उनको सेफली पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अथक प्रयास कर रहे हैं ऑपरेशन गंगा में। आज अभी छात्रों से मिलकर अच्छा लगा, छात्रों में उत्साह है। ज़्यादातर छात्रों का मानना है कि बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं और ऐसे प्रयास में सरकार का जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य को हम निभा रहे हैं। सर, जिस तरीके से तमाम छात्र डरे हुए थे उनको क्या मैसेज दिया? मेरा छात्रों से ये निवेदन है कि आप सब ने देखा हम सब पूरी सिंसियरिटी के साथ प्रयास कर रहे हैं, तो अपने जो साथी यूक्रेन में भी हैं उन सबको बताएं, पेशेंस रखें, हिम्मत रखें, ज़रूर बहुत जल्दी सभी को सेफली इवैक्यूएट कर लेंगे। अभी काफ़ी लगातार फ्लाइट चल आ रही हैं और साथ ही साथ चार मंत्रियों को भी उस एरिया में भेजा गया है जिससे कि कोऑर्डिनेशन एकदम इफेक्टिव हो सके। जो करना पड़ेगा इस काम के लिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बता दें कि यूक्रेन में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। खार्किव में हुए रूस के मिसाइल हमले में एक भारतीय छात्र नवीन की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार ने तेजी से अभियान शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि अब भारतीय वायुसेना के विमान भी इस मिशन में शामिल हो गए हैं। वायुसेना का C-17 परिवहन विमान रोमानिया भेजा गया है। गौरतलब है कि यूक्रेन में ताज़ा हालात ये हैं कि रूस के 40 मील लंबे सैन्य काफिले ने राजधानी कीव को चारों तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन सरकार ने अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी कर कहा है कि कीव को तुरंत खाली कर दे। बता दें कि रूस किसी भी पल कीव पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। वही रूसी सेना पहले ही खार्किव पर भारी बमबारी कर चुकी है, जिसमें भारतीय छात्र की मौत भी हो गई थी। इसी के चलते भारत सरकार ने भी अपने नागरिकों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाने के लिए कहा है, जिससे उन्हें आसानी से देश वापस लाया जा सके। भारत का झंडा उनके लिए बहुत काम आया, क्योंकि जहां जिसने भारत का झंडा दिखा दिया वो एक तरीके से यूक्रेन में खड़ा होके भी सेफ था, तो बहुत सारे दूसरे देशों के बच्चों ने भी भारत के झंडे दिखाने शुरू कर दिए थे सेफली निकलने के लिए। कितना प्राउड है आपको इस बात का, भारत का झंडा आपके देश का झंडा है? एक्चुअली हमारे जो फ्लैट है, फ्लैट के यहाँ पर आर्मी से हमारी ऐसी बात हुई थी, तो वो कह रहे थे कि आपका जो है इंडियन फ्लैग है और आप इंडियन हो तो आपको इतनी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया रशिया का सब ठीक चीज़ है। तो हम लोग ने वैसी फटाफट फ्लैग अरेंजमेंट की और जैसी हमारी बस जैसी हुई तो हम लोग ने बस के सामने दो इंडियन फ्लैग प्रॉपर बिगेस्ट बड़े बड़े लगा दिए ताकि हमको फ्री क्लियरेंस मिले, और एक्चुअली वो काम किया क्योंकि इंडियन फ्लैग देखे लोगों ने देखा कि ये सब इंडियन बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं तो उनको हमको अलाउंस मिलता है। क्या जल्दी मैम, वो फ्लैग मैंने अरेंज करा था, मैं भाग के जाके मार्केट गया, कलर स्प्रे लेके आया, फिर मैंने 6 कलर स्प्रे खरीदे, फिर मैं दूसरी दुकान पे गया, मैं कर्टन लेके आया, मैंने कर्टन काटा, फिर वो हैंड पेंट स्प्रे बनाया, वो मेरे पास वीडियो भी है। फिर हम जब घर से निकल रहे थे पूरी बस पे फ्लैग लगाए, फिर हमने नेशनल एंथम गाया, उसके बाद फिर हम निकले। इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंचे।